कोट अदू हेडतौनसा बिराज जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जंगल निशारी वाला पर MPA अशरफ रिंद के कब्जे का मामला। अशरफ रिंद ने रात गए जंगल को आग लगवा दी। आग की वजह से सैकड़ों एकड़ अराजी पर मौजूद जंगल जलकर खाकस्तर हो गया। जंगल में मौजूद नायाब परिंदों समेत मुतादिद जानवर भी हलाक हो गए। MPA अशरफ रिंद सरकारी जंगल पर कब्जा करके सरकारी रकबे पर फसलें काश्त करना चाहता है। मजीद तफसीलात जानते हैं सादिक खान की इस रिपोर्ट में। कोट अद्दू दरिया दीन पना लशारी वाला जंगल में PT MPA अशरफ रिंद ने जंगल की आड़ में और कब्जा माफिया की रिपोर्ट के हवाले से अपना खेमा गाड़ दिया और PTI का झंडा सरकारी जंगल में लगा दिया और जंगल के खात्मे की ठान ली। अरसा दराज से चलने वाला जंगल में सरकारी लकड़ी की कटाई उरूज पर PTI वाले झंडे के चंद कदम दूर सरकारी लकड़ी की कटाई जंगल के खात्मे की कोशिश है। कुछ अरसा कबल एक ट्रैक्टर ट्राली भी पुलिस ने पकड़ी। हंजरा खानदान के कब्जा के मुतालिक वहाँ के रिहायशी लोगों ने कहा कि वहाँ पर कोई कब्जा नहीं, अरसा दराज से लोग आबाद हैं। पुलिस थाना सदर ने मौका पर खेमा देखा और लकड़ियां कटी हुई भी बरामद की, जिससे वाजे तौर पर होता है कि PTI MPA अशरफ रिंद जंगल का खात्मा चाहता है। SHO थाना सदर जुबैर बुजार ने मीडिया टीम के हमरा सारे जंगल को चेक किया और वाजे पैगाम दिया कि टेंट वाली जगह पर जंगल की लकड़ियों की कटाई हो रही है, मगर DSP कोट अद्दू मौका की रिपोर्ट को मुअसर करार ना दिया और खुद आज मौका देखकर कार्रवाई करने का फैसला किया। मगर एक बात वाजे हो चुकी है कि हुक्मरान जमात के MPA लकड़ी को हजम करने के चक्कर में जंगल के वसी पैमाने को बर्बाद किया जा रहा है। अब बात वही सरकार को सभी खाते हैं। पुलिस ने आज मौका पर पहुँच कर जाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है।